बेगूसराय में बेहिशाब बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरे एक्शन मोड में आ गई है। इसके लिए शहर में मास्क समेत अन्य प्रोटोकॉल के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। बुधवार को डीएम एसपी समेत सदर अनुमंडलाधिकारी मास्क चेकिंग अभियान एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए मुख्यालय की सड़कों पर उतर आए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी अवकाश कुमार पूरे के नेतृत्व में प्रशासनिक फौज के साथ ट्रैफिक चौक पहुंचे और ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक सभी छोटे बड़े दुकानों, मॉल एवं राहगीरों को प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश जारी करते हुए आवश्यक रूप से मास्क को चेक किया तथा कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत दी। इस दौरान सड़क से गुजर रहे सैकड़ों लापरवाह लोगों से जुर्माना वसूला गया। डीएम एवं एसपी ने दुकानदार तथा सभी वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से मास्क समेत अन्य प्रोटोकॉल के पालन कराने की अपील की। दुकानदारों को जहां बगैर मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने की हिदायत दी, वहीं सार्वजनिक वाहन चालकों को बगैर मास्क लगाए सवारी को अपने वाहन पर नहीं बैठने की हिदायत दी। साथ ही अधिकारियों द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लेने की अपील की। डीएम एवं एसपी से अचानक सघन चेकिंग अभियान से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। बिना मास्क पहने बाहर दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग भी सुरक्षित रहे और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। हैं खराब ले रही अभी भी। हेलो, 82 एक्टिव केसेस थे जो पिछले 10 दिनों में ही अचानक से बढ़े हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा मामले नगर निगम एरिया के हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ के निवासियों के लिए जो कि एहतियात के संबंध प्रोटोकॉल है तो उसको फॉलो करें। घर से जब जरूरी हो तभी लोग बाहर निकलें और निकलें तो मास्क जरूर पहने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, सैनिटाइजर पास में रखें। कहीं पे कोई सामान खरीदते हैं तो बच्चा हाथ सैनिटाइज करें। अगर हम लोग बचाव करेंगे तभी हम लोग इस बढ़ते संक्रमण को रोक पाएंगे, अन्यथा इस खतरनाक बीमारी से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कुछ लोगों से जुर्माना भी कर रहे हैं जो बिना मास्क है 50% फाइन लगा रहे हैं और अभी विशेष रूप से वाहनों को भी अब नियम लागू है कि वहाँ पर भी यात्रियों को बैठाएंगे तो मास्क पहना के बैठाएंगे, उसके अलावा ऐसे यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। तो ऐसे वाहनों को भी हम लोग बुधवार हम कर रहे हैं और मार्केट में सभी दुकानदारों की और जो ग्राहकों की ये सब चलता रहेगा। और अभी एसपी साहब की पूरी टीम कर रही थी, हम और एसपी साहब भी वही अभी देखने आए हैं कि लोगों से वही अपील करना चाह रहे हैं कि लोग आएँ, मास्क पहने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। महामारी कोरोना जब से संक्रमण फैला है विगत एक वर्ष से हम सभी को अनुभव है इसके बारे में। दो तीन ही साधारण से उपाय हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए। जब आपस में बात कर रहे हों तो मास्क पहन कर रहें, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। इसी चीज़ को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आज हम और डीएम साहब खुद भी देख रहे हैं लोगों के कंप्लायंस कैसा है ताकि और जागरूकता फैलाई जा सके। जो लोग इसके वायलेशन में दिख रहे हैं उनको आज चालान किया जा रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में भी कोई गाड़ी वाला या दुकान वाला इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।